its look now. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मैं पसीने पसीने हूँ बिकॉज आज बाहर गई थी, कुछ ज़रूरत की सामान थी तो उसको ले आते आते जो जान निकल गई है। बाहर इंसान बहुत कम है, बहुत कम निकले हैं बिकॉज ड्यू टू कोरोना ऑब्वियसली, एंड इतनी तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ धूप की वजह से कोई बाहर 2 मिनट नहीं रह पा रहा है। तो हम लोग बाहर गए थे और ज़रूरत के सामान भी लाए, और हमारी जो कुक है, जो मासी है, वो आ गई है किचन में और मुझे बुला बुला के मेरी जान पे बनाई है, क्योंकि वो बता रही है कि तुम क्यों नहीं आ रही हो, मुझे दिखा के क्यों नहीं जाती कि आज क्या होगा लंच में। तो ये मेरा भी सवाल है, क्या होगा लंच में? मैंने कुछ सोचा नहीं, पर अभी जाऊंगी सीधा किचन और आपको दिखाऊंगी कि बंगाली लंच में आज क्या क्या है। सो इट्स रियली स्पेशल, बंगाली लंच बहुत अच्छा रहता है, तो शेयर करूंगी आपके साथ। तो भाग के चलते हैं किचन। जाते जाते एक चीज दिखा दूं कि मेरी इस कुर्सी के हालात कैसे हैं। इस पे हम लोग आजकल कम बैठते हैं और हमेशा ही ऐसा रहता है, मुझे अरेंज करना होगा, पर मैं अभी जा रही हूँ किचन, मुझे जल्दी जल्दी जाना है। देखिए इनको कैसे घूर के देख रही है। और इधर फिश के प्रिपरेशन हो रहा है, फिश धो के और उस पे हल्दी 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 हल्दी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देसी हल्दी पौड़े बोलते पर वो पौड़े उबाला जाए खुन उबाला जाए। লাঞ্চের জন্য হয়ে গেছে মাছ রান্না। ইটস লুকস ডেলিশিয়াস, রিয়েলি অ্যামেজিং লাগ রহা হ্যায় ইসকো দেখনে মে। মাছ সরসে হচ্ছে না, আর কুক হো রহা হ্যায় হেলদি হেলদি ফুড, জো মেক করেলা আর আলু কি সবজি, জো মুঝে বিলকুল পসন্দ নেই হ্যায় পর হালকে লিয়ে আচ্ছা হ্যায় তো হো চুকা হ্যায়। फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छी रेसिपी सिखाने वाली हूँ, वो है एक तरका ढाबा स्टाइल। एक तरका ढाबे में हम लोग जब रोड साइड ढाबे में कभी खाते हैं, या अभी होटल में भी मिलता है, तो तरके का पैकेट आप अगर बताएं दुकान में तो इजीली अवेलेबल रहता है। तो उस दाल को सुबह से भिगो के रखा था कुछ 3-4 घंटे, अब इसको देंगे बॉयल करने के लिए। जब तक दाल बॉयल हो रहा है तब तक सारी इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेंगे, और इधर सारी सब्जीज और वो जो भी चाहिए होगा, ऑनियन सारे जो वेजीज है वो कट कर रहे हैं। तो आज डिनर के लिए जो बनाने वाले हैं वो है एक तड़का, और यहाँ पर तड़के की जो पैकेट मिलता है उस पर ये दाल रहता है, इसको पहले बॉयल करके रखा गया है, और इधर सारे इंग्रेडिएंट्स को कट किया गया है, जैसे ऑनियन और इधर है मिर्ची, अदरक, टोमेटो, लहसुन, और इधर सारे डास्ट मसाले है। मासी बोलो तो एखने की मसला आ हलुद, एटा तड़का मसला, नून, और एटा हलो धने गुड़ो, एटा हलो कारी पाता तड़कार साथे आसे पैकेटे मसलाटा, और एटा हलो गरम मसला, एटा हलो लाल लंका गुड़ो, चीनी, जीरे गुड़ो। तो एखाने मोटामोटी इनग्रेडियंट गुलो हो गेछे, आर एखाने आमरा कड़ाई बसिए दिएछि, तो एबार तड़काटा शुरू हबे। कड़ाई कड़ाई में अएल लिया गया, आमी बेंगली और हिंदी दुटोतेई बोलछि जाते आमार दुटो दर्शक ही बुझते पारे। तो कड़ाई में तेल गरम हो रहा है, और इसके बाद क्या होगा, सारे इंग्रेडिएंट्स, प्याज, ऑनियन, अदरक, लहसुन, पहले ऑनियन और अदरक को दिया गया कढ़ाई में, लहसुन, टोमेटो, सो एक तड़के के लिए अभी एक
इसको एक भुजिया जैसे एक बनाया जाएगा। मैं सिर्फ बताती जा रही हूँ, एक्चुअली हम दोनों मिलके कुक कर रहे हैं, मासी और मैं, तो इसलिए आपको समझने में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, पर मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की सही तरीके से। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें। इधर गया नमक, सॉल्ट एंड देन लाल मिर्च पाउडर, सारे इंग्रेडिएंट्स जो था उसको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हम लोग एक के साथ उसको मिक्स करेंगे। चीनी, थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा शक्कर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको भूनना है। ऑब्वियसली कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी, अच्छे कलर लाने के लिए हल्दी, और हल्दी बहुत अच्छा भी होता है स्वास्थ्य के लिए। तड़का का जो दाल है जिसमें उड़द दाल एक पैकेट में ही आता है, अब अगर शॉप में जाके कहे कि तड़के की पैकेट दीजिए तो वो लोग आसानी से देंगे। अब इस बॉयल किए गए दाल को इससे ऐड करेंगे, सब कुछ एक साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। हो गया है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लुक्स बहुत अच्छा आया है इसका। फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट्स में बताएं कैसा लगा ये एक तड़का आपको। মিষ্টি ঠিক আছে, তড়কা মশলা ইটস লুক নাইস, কেমন লাগছে? হো গয়া রেডি হামারা তড়কা, এক তড়কা। आप लोग बहुत इजीली बना सकते हैं घर में और इजीली इसको एंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, सो इट्स सो डिलीशियस। और फॉर 5 मिनट्स इसको ढक के रख देंगे ताकि पूरी तरह से अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। हे फ्रेंड्स, हो चुका है मेरा लंच और अभी मैं आ गई हूँ मेरी फेवरेट जगह पे जहाँ पर ये मैंगो ट्री है। सी, आई जस्ट लव दिस प्लेस। और आज मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर कितने सारे मैंगो पक चुके हैं और इसके बहुत सारे मैंगो को लेके मैंने अचार भी बनाया है, मेरी मम्मा ने बना के दिया, तो मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैंगोज दिखाते हैं। आइए चलिए। बैक टू बैक 2 फेसबुक लाइव है मेरे, 2 ऑनलाइन इवेंट्स है, तो उसके लिए तैयारी करूँगी। एक है रेस्पेक्टेड मन्ना डे के लिए मैं कुछ गाना, और एक भजन के लिए है, तो उन दोनों लाइव इवेंट्स के लिए मैं अभी तैयारी करूँगी और मिलते हैं आपसे इवेंट पर और उसके बाद मिलते हैं डिनर पर। Oh,
So friends, this is dinner time after my FB live और बहुत जोर की भूख लग रही है और अभी रात के 11 बज चुके हैं और बहुत अच्छे खाने भी है डिनर में, एक तड़का और दिस इज रसगुल्ला राजभोग, सुपर्ब डिलीशियस, और है चपाती यानी रोटी। तो इन सारी चीजों से मैं करने वाली हूँ अपना डिनर। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, डिनर के बाद करूंगी सबको गुड नाइट। और आप लोग भी अपना ख्याल रखें, सावधान रहे, स्वस्थ रहे, और मेरे इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही में बेल आइकन को भी ऑल कर दे। और अगर आपको मेरा गाना सुनना है, मेरा गाना आपको पसंद है तो म्यूजिक सुनने के लिए जाए फेसबुक पेज पूर्वाशा भट्टाचार्य में, और मेरी ओरिजिनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पूर्वाशा भट्टाचार्य ऑफिशियल। सो गाइज, तब तक के लिए बहुत मस्त रहे, हंसते मुस्कुराते रहिए, टाटा।